नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की और शुरुआत करेंगे मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र के कसरेवा गांव में एक बाप ने 2016 में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और उसी बाप को अब 20 साल की कठोर सजा और 57,000 का जुर्माना लगाया गया है। मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर के गांव कसेरवा में वर्ष 2016 में एक बाप द्वारा हैवानियत दिखाते हुए अपनी बेटी को कई महीनों तक हवस का शिकार बनाया था, जिस पर पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आपको बता दें, आरोपी जान मोहम्मद ने अपनी बेटी को डरा धमका कर अपनी हवस का शिकार बनाया और अपनी मां के सामने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजीव तिवारी ने जान मोहम्मद को सजा सुनाते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 57,000 रुपए का आर्थिक दंड का जुर्माना रखा है। पुलिस ने आरोपी जान मोहम्मद को दोबारा जेल भेज दिया है। इस सारी जानकारी की लड़की से पता क्या, लड़के ने बताया कि हाँ, मेरा बाप मेरे साथ जबरदस्ती, मना करने के बावजूद जबरदस्ती लगातार बलात्कार करता रहा है। इस आधार पर न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से 8 साक्षी प्रस्तुत किए गए, जिनमें जिन्होंने अपने अभियोजन पक्ष का समर्थन करते हुए न्यायालय श्रीमान जी के सामने वास्तविक तथ्यों को साबित किया और माननीय न्यायाधीश ने वास्तविक तथ्यों के आधार पर, गुण दोष के आधार पर इस विशेष सत्र परीक्षण को निस्तारित करते हुए अभियुक्त जान मोहम्मद को आजीवन सश्रम कारावास 20 वर्ष तथा आर्थिक दंड 57,000 रुपये से दंडित किया। तो अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर कांग्रेसी सड़क पर उतर आए। आपको बता दें, हाल ही में कांग्रेस सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर आगे जमकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी और उसी विरोध प्रदर्शन को देखने को मिला मुजफ्फरनगर की सड़कों पर। मुजफ्फरनगर भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ संसद से लेकर सड़कों तक कांग्रेसियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते शनिवार को उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सांसद प्रज्ञा ठाकुर की संसद से सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने पर देश की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया था, जिसका संसद से लेकर देश की सड़कों तक कांग्रेसियों के साथ अन्य पार्टियों ने भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते मुजफ्फरनगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सांसद प्रज्ञा ठाकुर की संसद से सदस्यता खत्म करने की मांग भी की है। प्रज्ञा ठाकुर द्वारा जो संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जिसने मर्डर किया था, नाथुराम गोडसे को उसने देशभक्त कहा है, उसी के विरोध में आज तमाम कांग्रेस जन ने प्रज्ञा ठाकुर का पुतला दहन किया है। क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं, जिसमें उसकी संसद का सदस्यता खत्म हो और बीजेपी पार्टी उसे अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए। तो वहीं चित्रकूट के करवी क्षेत्र में एक कैंप लगाया गया। आपको बता दें, इस कैंप में लोगों की समस्याएं सुनी गई, साथ ही साथ उन समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। चित्रकूट जिले के करवी तहसील परिसर में जिलाधिकारी शेष मणि पांडे की अध्यक्षता में मेगा कैंप लगाकर जनता की समस्याओं को सुना गया। इस मौके पर राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय भी उपस्थित रहीं। जिला प्रशासन ने इस कैंप का आयोजन करवाया, जिसमें क्षेत्र की जनता को सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ मिल सके। इस कैंप में जिले की 3 ब्लॉकों में मेगा कैंप कराया गया और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको सुनकर तुरंत निस्तारण कर विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से लगे स्टॉलों में तुरंत निस्तारण हो सके। योजनाएं चल रही हैं, उसमें जो लोग छूटे हुए हैं, किन्हीं कारणों से वंचित रह गए हैं, उनको लाभ दिलाने की दृष्टि से सभी विभागों के पटल लगवा करके जिलाधिकारी जी ने एक प्रयत्न किया है कि मौके पर ही उनका निस्तारण हो जाए, उनका काम हो जाए। वो काम यहाँ चल रहा है और
मैं समझता हूँ कि अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में ये काम और ये उनका जो विचार था वो पूर्णतया सफल है। अब इन योजनाओं के प्रचार प्रसार का अभाव कहिए या सरकारी कर्मचारियों की कमियां कहिए, इन कमियों के कारण तमाम गरीब पात्र योजनाओं का लाभ पाने के लिए दर दर के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पहल थी कि जो पात्र हैं उनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन पात्रों को इन कैंप में, मेगा कैंप में बुलाया गया है और सारे विभागों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, इन स्टॉल में उनके आवेदन जमा कराए जा रहे हैं। सब योजनाओं को एक छत के नीचे सभी विभागीय अधिकारियों को इकट्ठा करके ये कैंप लगाने का प्रयास हम लोगों ने किया है और इसका बहुत सकारात्मक परिणाम आया है। अब तक आज इसको लेकर के 4 कैंप हो चुके हैं, 4 हमारे 5 ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉकों में 4 आज कंप्लीट हो जाएंगे। कल एक पहाड़ी ब्लॉक बचा हुआ है, उसमें भी हम लोग कैंप लगाएंगे और इन कैंपों में जितने भी प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उनका सबका एक समय सीमा हमने तय कर दिया है कि एक सप्ताह के अंदर इन सभी प्रार्थना पत्रों का तुरंत निस्तारण करके और हमें अवगत कराएंगे और इसका हम लोग इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको और नीचे तक ले जाएंगे। उधर बागपत में पॉक्सो अदालत में मात्र 5 दिन के अंदर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को सजा सुनाई है। दुष्कर्म के एक मामले में कम समय में सुनवाई कर सजा सुनाने के मामले में बागपत कोर्ट ने इतिहास रच दिया है। अब तक के रिकॉर्ड में 9 दिनों की सजा सुनाकर औरैया जनपद का न्यायालय कम समय में सजा सुनाने वाला न्यायालय था, लेकिन अब बागपत जिला न्यायालय में विशेष पॉक्सो अदालत ने मात्र 5 दिनों में ही सुनवाई कर एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला छपरौली थाना क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र के बोड़ा गांव में 13 सितंबर को 3 साल की मासूम बच्ची को उसके परिवार का ही चचेरा भाई बहला फुसला कर खेत में ले गया और वहां उस युवक ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। जो मुलजिम है वो उसका सगा भाई लगता था। इस मुकदमे को इतनी शीघ्रता से निस्तारित कराना बहुत आसान नहीं था, जिसके लिए पुलिस विभाग से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ मौजूद हैं, इनकी तरफ से सहयोग मिला है। एक एक दिन में हमने 4-4 गवाह पूरी नीति के साथ न्यायालय में परीक्षित कराए हैं। 2 दिन में गवाह परीक्षित हुए, 3रे दिन मुलजिम का बयान हुआ, 4थे दिन बहस हुई और 5वें दिन आज जजमेंट हुआ है। क्या क्या सजा है इसमें? आजीवन कारावास से दंडित किया गया है, 1,00,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये देखिए, छपरौली थाने का एक बलात्कार का केस लिखा गया था, पोक्सो का केस था बेसिकली। एक 3 वर्ष की बच्ची के साथ उसके ही परिवार के एक व्यक्ति ने, जो उसके दूर के परिवार का व्यक्ति था राहुल, उसके द्वारा ये क्राइम किया गया था। उसमें आज सजा सुनाई गई, रिकॉर्ड टाइम में सजा सुनाई गई है। जो चार्ज हमारा फ्रेम हुआ 25 तारीख को, इसी महीने की 25 तारीख को हुआ है और 5वें दिन उसको सजा सुनाई गई है। तो ये, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सरकार की भी मंशा है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो विवेचक हो या फिर जुडिशरी में जो हमारी प्रोसिक्यूशन वाली शाखा है वो मिल करके एक ऐसा माहौल बनाए कि जिसमें खास करके जो छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म घटनाएं आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें, उसमें जल्द से जल्द सजा हो। तो ये उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपके सामने। इसके पहले भी 3 केसेस में पॉक्सो एक्ट में पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपने देखा होगा कि चार्ज फ्रेम हुआ, सजा हुई, इसमें आजीवन कारावास हुआ है और 1,00,000 जुर्माना भी हुआ है। और आने वाले समय में, भविष्य में भी, बहुत जल्दी हम लोग कई और केसेस पे काम कर रहे हैं प्राथमिकता के आधार पर, उसमें भी हम लोग सजा करवाएंगे। जहां एक तरफ पूरे देश में किसानों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने की नई नई योजनाएं सामने लाई जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी के रामपुर में वन विभाग के अधिकारियों का उत्पीड़न किसानों पर अभी भी जारी है। यूपी के रामपुर में किसानों के साथ जिला वन अधिकारी का उत्पीड़न लगातार जारी है। किसानों के मकानों और खेतों पर जाने को लेकर विवाद सामने आया है, जिसमें जिला वन अधिकारी AK कश्यप ने किसानों और ग्रामीणों का पिपली वन में प्रवेश करने को लेकर सख्त मना किया है और कार्रवाई करने की बात कही है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने रामपुर जिला अधिकारी को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं किसानों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर मीडिया को बताया कि वो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से ही पिपली वन जंगल में रह रहे हैं, तब से आज तक कोई रोक टोक नहीं हुई है, पर अब ये हिटलर DFO हमें खेतों पर जाने से रोकते हैं और हमारे मकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने DM साहब से की है। पुराना मंदिर है पिपली वन में, हर शनिवार को वहाँ भंडारा होता है, हजारों लोगों की आस्था की जगह है, वहाँ मजार भी है,
वहाँ लोग मोटरसाइकिल से साइकिल से अपने अपने वाहन से जाते हैं। डीएफओ साहब का कहना ये है कि मैं किसी की साइकिल नहीं जाने दूंगा, साइकिल पकड़ के आग लगा दूंगा, पंचर कर दूंगा और सबको जेल भेज दूंगा जो मुझे मिला। अरे भाई, ये डीएफओ है, वो हिटलर का की कोई औलाद आ गई पैदा होके। एक जमाने सैकड़ों साल से ही लोग रह रहे हैं वहाँ पे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंटवारा हुआ तब से ही लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, सरकार ने बसाए हुए हैं, तो ये कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? तो इन्हें नौकरी करनी चाहिए, ना कि गुंडई, और गुंडई हम होने नहीं देंगे। अगर फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़। नमस्कार।